नारियां कभी अपने आप को कम ना समझे, कभी कम ना समझे। कई बार ऐसा प्रश्न आता है ना कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, लड़के लड़कियां बराबर हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि लड़के लड़कियां बराबर हो जाए। बड़ा कौन है आप बताओ, कौन बड़ा है? लड़के बड़े हैं कि लड़कियां? लड़कियां बड़ी हैं ना, तो जोर से बोलो ना, लड़कियां बड़ी होती हैं, नारियां श्रेष्ठ हैं। और ये बात हमने ही, इसका प्रमाण भी है, ये तो पहले से चली आ रही कहानी। कैसे आप देख लो, हम लोग क्या गाते हैं, सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। पहले कौन आया? माताएं आई, बाद में भगवान जी है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? स्त्रियां श्रेष्ठ हुई। मैया दुर्गा के हाथ कितने होते हैं? 8, अष्टभुजाधारी 8 हाथ हैं। क्यों हैं? एक स्त्री के भी 8 हाथ होते हैं, एक नारी के भी 8 हाथ होते हैं। कैसे? उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती, आप जरा विचार करिए। बेटी, बहन, पत्नी और फिर माँ, ये 4 भूमिकाएं एक ही स्त्री निभाती है। बेटी की, बहन की, पत्नी की और फिर माँ की। पिता को भी संभालती है, पिता की भी देखभाल करती है, एक भाई का भी ख्याल रखती है, एक भाई की भी जिम्मेदारी संभालती है, एक पति की भी जिम्मेदारी संभालती है। और उसके बाद जब वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी संभालती है। और एक ही समय में वो पति को भी संभालती, बच्चों को भी संभालती, सबको देखती है। इसीलिए तो उसे अष्टभुजाधारी कहा गया। एक ही समय वो सारे काम कर लेती है, एक तरफ पति जा रहा है उसको भी तैयार करके भेज रही, एक तरफ बच्चे जा रहे हैं उसको भी तैयार करके भेजती है। तो स्त्रियां सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा देखो, घर में जब कन्याएं होती हैं, कन्याएं जब जन्म लेती हैं, तो लोग क्या कहते हैं? घर में लक्ष्मी आई है। क्या कहते हैं? घर में लक्ष्मी आई है। कभी सुना है क्या कि घर में जब लड़के पैदा हो तो लोग कहें कि घर में विष्णु जी आए हैं? कहा है कभी? सुना है? बात सही है कि नहीं है? सही है तो हाथ उठाओ। इतनी बड़ाई कर रहे हैं, अब तो खुश हो जाओ, मुंह बंद करके बैठे हो। तो महाराज, स्त्रियां देखने में भले कोमल दिखें, भले लगता है वो बड़ी सुकुमार हैं, बड़ी कोमल हैं, लेकिन उनके रूप अनेक अनेक होते हैं। स्त्री के भीतर इतने इतनी शक्तियां हैं कि दुनिया की शक्ति एक स्त्री के ही भीतर है, और एक स्त्री से ही ये पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि एक नारी से ही है। एक पुरुष को भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही होती है। तो नारी तो सब कुछ कर सकती है, नारी को तो जगत की जगदम्बा कहा गया, पराम्बा कहा गया, देवी कहा गया। इनके भीतर वो सारी शक्तियां हैं। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नारी चाहे तो घर को नरक बना सकती है, उसके हाथ में सब कुछ है। और जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी मैया का कभी वास नहीं हो सकता, और दरिद्रता बनी ही रहेगी। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करें, और स्त्रियों को भी चाहिए, माताओं को भी चाहिए, बहनों को भी चाहिए कि उनके भीतर सहनशीलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। मैया क्या कहती है? तुम्हारी वाणी कैसी हो? कहा, तुम्हारी वाणी कोयल के जैसे मीठी हो। ऐसा नहीं कि पतिदेव कहीं बाहर से थके आ रहे टेंशन में आ रहे हैं, काम का प्रेशर उनके ऊपर अलग है, और घर में जैसे ही घुसे पानी देने के बजाय उन पर डपट पड़ो तो उन्हें डांटना ही शुरू कर दो, उल्टे सीधे सुनाना शुरू कर दो, तो ये उचित नहीं है। कहा, स्त्री का आभूषण सोने चांदी हीरे मोती नहीं है। एक स्त्री का, एक कन्या का, एक नारी का आभूषण है उसकी आंखों में लज्जा का होना,
उसकी आंखों में शर्म होना एक स्त्री का आभूषण है। हमारे भारत देश की ये परंपरा है, हमारे भारत देश का ये संस्कार है, ये संस्कृति है कि हमारे यहाँ हाथ नहीं मिलाया जाता, कोई भी स्त्री पुरुष से हाथ नहीं मिलाती, जैसा कि विदेशों में ये परंपराएं हैं कि हाथ मिलाते हैं लोग एक दूसरे से। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो हाथ नहीं मिलाया जाता, हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ करके स्त्रियाँ प्रणाम करती हैं अपने बड़ों को। ये है हमारे संस्कार। तो आप ऐसे संस्कार लेकर के दूसरे के घर में जाओ, आपके भीतर, आपके अंदर, आपके ऊपर दो दो कुलों की जिम्मेदारियां हैं, एक अपने पिता के घर की जिम्मेदारी, एक अपने पति के घर की जिम्मेदारी। तो ऐसे संस्कार होने चाहिए कि कभी न पिता पे उंगली कोई उठा पाए, न कोई पति पे उंगली उठा पाए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए।